जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपके लिए जो है साइको की क्लास जो है रेगुलर प्रोवाइड कराई जा रही है, और साइको में जो है अभी जो चल रहा है आपका डिफिकल्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो करवाए जा रहे हैं। तो जो मैंने इससे पहले कराया था वो क्वेश्चन जो है स्टूडेंट द्वारा दिया गया था, आज जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ वो जो क्वेश्चन है अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से समझिएगा। इसमें जो है कंसेप्ट भी है और थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेंथ भी है वो भी बड़ा है, तो जहां पे यदि क्वेश्चन का लेंथ यदि आपको बड़ा दिखे वहां पे आपको किस तरह से आंसर देना है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो इसको आप ध्यान से देखते जाइएगा और सीखते जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे हम चालू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें बोला गया है कि वर्णमाला क्रम के मध्य अक्षर कौन से पंक्ति में नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना हूं कि वर्णमाला क्रम का मध्य अक्षर क्या होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी आपके पास टेबल दिया रहेगा तो सबसे पहले आप जो है ये देख लीजिएगा कि इस टेबल में जो है मतलब कौन कौन से वर्णमाला जो आए, यानी कि अल्फाबेट जो है कौन कौन से आए हुए हैं। ठीक है, जैसे इस हम टेबल की बात करें तो इसमें जो है ए बी सी डी और ई, इन्हीं पांच जो है आपके जो वर्णमाला है यानी कि अल्फाबेट है उसी से मिलकर आपकी टेबल बनी हुई है। तो इसका मध्य अक्षर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यदि यह स्टार्टिंग की बात करें तो ए हो जाएगा और एंडिंग की बात करें तो आपका ई हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि कौन मतलब मध्य अक्षर जो है कौन से पंक्ति में नहीं है, तो आप देख रहे हैं सी यहाँ पे भी है। ठीक है, सी इस वाले पंक्ति में जो है आपका सी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि वर्णमाला का जो है मध्य अक्षर इस वाले में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसके बाद बोला जा रहा है कि उस पंक्ति में बी के दाएं, तो देखिए यहाँ पे बी है और बी के दाएं क्या है आपके पास ई है, तो बी के दाएं में जो अक्षर है यानी कि ई, वह अक्षर कौन से स्तंभ में नहीं है। अब देखिए ई जो है किस स्तंभ में नहीं है, तो आप यहाँ पे देखिएगा तो इस वाले स्तंभ में जो है आपका ई नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि उस स्तंभ में वर्णमाला क्रम के मध्य अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए इसमें बोला है कि उस स्तंभ में वर्णमाला क्रम के मध्य अक्षर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उस स्तंभ में वर्णमाला क्रम के मध्य अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि आपका उस स्तंभ में वर्णमाला क्रम के मध्य अक्षर, तो जानते हैं आपकी वर्णमाला क्रम का मध्य अक्षर आपका सी होता है, उसके मध्य में कौन सा अक्षर है ये पूछा जा रहा है, तो उसके मध्य में कौन सा अक्षर आ रहा है यहाँ पे बी आ रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। देखिए ये तो आपका इस तरह से भी आया, और आप चाहें तो एक और भी तरीका, यदि आप जल्दबाजी में हैं इतना नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप जो है देखिए यहाँ से भी आप क्लू निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ये कब कीजिए आप, जब आपके पास टाइम नहीं हो, जैसे कि मान लेते हैं 30 सेकेंड है या मतलब 20 सेकेंड है, या फिर आप एंडिंग पे हैं वहां पे आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है आप रिक्स ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोला है उस स्तंभ में वर्णमाला क्रम के मध्य अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है, तो देखिए वर्णमाला क्रम के मध्य अक्षर के बीच का अक्षर देखना है किस स्तंभ में है। इस स्तंभ में देखेंगे तो सी तो आया ही नहीं है, इस स्तंभ में सी आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सी है, सी सी के बीच में जो है यहाँ पे जो है दो है, तो यहाँ पे अंतर ले नहीं मतलब बीच का हम निकाल नहीं सकते हैं, बाकी यहाँ पे सी आया नहीं है। इसके बाद देखिए सी यहाँ पे आया हुआ है और इसमें हम डायरेक्ट जो है इसका हम मिड जो आपका मध्य मध्य होगा मतलब मध्य में जो होगा उसको हम ले सकते हैं, इसमें आया नहीं है, तो ये वाला मेथड आप वहां पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप एंडिंग में हैं और आपको जो है क्लिक करना है तो वहां पे आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस समय जो आपका माइंड है वो ओपन है या नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप जो इस टाइप के क्वेश्चन कीजिएगा तो माइंड को थोड़ा सा क्या है ओपन करके रखिएगा, ताकि आपको जो है एक दो नंबर जो है इजिली मिल जाएगा लास्ट समय, या आपके पास टाइम है तो इस क्वेश्चन को पूरा हल कीजिए आप। ठीक है, जो पॉसिबिलिटी है मैं सारा पॉसिबिलिटी आपको बता देता हूं, ताकि आपके दिमाग में ये आइडिया आए तो कभी आज आजमा सकते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि स्तंभ वन और स्तंभ फाइव के विकर्ण को विपरीत क्रम में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्तंभ वन के विकर्ण की यदि हम बात करें तो ये आपका स्तंभ वन के विकर्ण हो जाएगा, और स्तंभ फाइव के विकर्ण की बात करें तो ये आपका स्तंभ फाइव के विकर्ण हो जाएगा। इसको बोला गया है कि विपरीत क्रम में लिखकर एक दूसरे से बदलने पर,
तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपको विकर्ण को मतलब विपरीत लिखना है और इसके बाद बदलना है। तो ये चीज जो है अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका विपरीत का करना है यानी कि उल्टा करना है, और इसके बाद जो क्या करना है एक दूसरे से एक्सचेंज का करना है, यानी कि फर्स्ट ऑपरेशन आपका जो होगा वो आपका विपरीत करना होगा और इसके बाद जो है उसको चेंज करना होगा। बस इतना दिमाग में आपको रखना है, बाकी आगे पढ़िए। पंक्ति फोर का दूसरा अक्षर कौन सा होगा, अब देखिए इसके अनुसार आपको करना होगा। पंक्ति फोर यहाँ पे देखिए ये है, और पंक्ति फोर का दूसरा अक्षर कौन सा है, यहाँ पे सी है। ये मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ। पंक्ति फोर का दूसरा अक्षर क्या है यहाँ पे दिख रहा है आपको, सी दिख रहा है। अब जो है आप ऑपरेशन को जो जो बोला गया है उसके अनुसार कीजिए। सबसे पहले आप इस वाले अधिविकरण की बात किया जाए तो आप इसको जो है उल्टा कर लीजिए। उल्टा जब कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो ये वाला ए यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद फिर इसको भी उल्टा कर लीजिएगा तो इसको हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है तो यहाँ पे क्या है बी ही रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद विपरीत करने के बाद यानी उलटने के बाद इसको क्या गया एक्सचेंज किया गया है, यानी कि ये वाला ए जो है आपका यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला जो है बी जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अभी क्या है बी है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि पंक्ति फोर का दूसरा आपका अक्षर क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। तो ये देखिए आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो देखिए यहाँ पे पूछा गया है उसी पे फोकस करके आप कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि पूरे वर्णमाला क्रम के मध्य अक्षर, ठीक है, के दाएं और बाएं एक ही अक्षर हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको डायरेक्ट बोला गया है कि जो मध्य अक्षर है वर्णमाला क्रम का उसके दाएं और बाएं एक ही अक्षर है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूं कि दाएं और बाएं जब मैं आपको ऑपरेशन बताया था तो बताए हुए थे हम कि जो दाएं और बाएं ऑपरेशन होता है वो रो में होता है, ठीक है। दाएं बाएं या फिर अगल बगल जो ऑपरेशन होता है वो रो में होता है, और नीचे ऊपर ये जो होता है ऑपरेशन आपका कॉलम में होता है। तो जैसे ही यहाँ पे दाएं बाएं दिया गया है तो आपके दिमाग में ये चीज आ जाना चाहिए कि जो दाएं बाएं ऑपरेशन होगा वो कहीं ना कहीं कॉलम में, सॉरी ये रो में ही होगा, यानी कि आपका पंक्ति में ही होगा। और इसके बाद आपको ये ढूंढना होगा कि मध्य अक्षर के दाएं बाएं कौन सा ऐसा पंक्ति है जहां पे कि सेम है। तो देखिए यहाँ पे यदि हम मध्य अक्षर ये देखते हैं यहाँ पे, तो इसके दाएं और बाएं यानी ये बाएं और ये दाएं ऐसा पंक्ति है जो कि आपका मतलब कि मध्य अक्षर बीच में आ रहा है। यही चीज यहाँ पे बोला गया है कि पूरे वर्णमाला क्रम के मध्य अक्षर जैसे सी के दाएं बाएं एक ही अक्षर है। तो ये हमको क्लू कहाँ से मिला कि डायरेक्ट हम इसके यहाँ पहुंच गए, तो हमको क्लू वहां से मिला कि दाएं बाएं का ऑपरेशन जो होता है कॉलम में होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सी यहाँ पे है, और सी में यहाँ पे देख रहे हैं दाएं बाएं जो है वैल्यू समान नहीं है, यानी कि अक्षर समान नहीं है। सी इसमें है नहीं, सी यहाँ पे है एक जो कि इसमें भी जो है दाएं बाएं जो है सेम नहीं है, यहाँ पे भी सी है लेकिन यहाँ पे भी नहीं है। तो लास्ट में हमारे पास यही एक ऑप्शन है जहाँ पे क्या है कि आपके दाएं और बाएं दोनों क्या है सेम है। तो इस तरह से हमारा जो है क्लू यहाँ से मिला कि दाएं बाएं करना है तो किस तरह से कहाँ पे हमको जाना होगा। तो डायरेक्ट हम जो यहाँ पे आ गए, अब आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। बोला जा रहा है एक ही अक्षर है, तो इस प्रश्न का वही उत्तर होगा जो स्तंभ वन में है परंतु स्तंभ दो में नहीं है। तो इसका बोला जा रहा है कि वही उत्तर होगा जो स्तंभ वन में है लेकिन आपका स्तंभ दो में नहीं है। तो देखिए स्तंभ वन में क्या है जो कि स्तंभ जो है बी में नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ए भी है, बी भी है, आपका सी भी है, और डी जो है आपका जो कि स्तंभ वन में है लेकिन स्तंभ दो में नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि उस अक्षर के सबसे नीचे अक्षर, तो इस अक्षर के सबसे नीचे अक्षर बी हो जाएगा, और के विकर्ण का अंतिम अक्षर आपका उत्तर होगा, यानी कि यहाँ पे इसके विकर्ण का अंतिम अक्षर क्या है ई है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये पढ़िए आप। बोला गया है कि स्तंभ फाइव के सबसे नीचे अक्षर के बाएं सी अक्षर है, तो प्रश्न का वही उत्तर होगा जो अक्षर पंक्ति फाइव के विकर्ण में नहीं आया है। तो यहाँ पे देखिए बात सही है कि आपका जो है स्तंभ फाइव के सबसे नीचे अक्षर के बाएं जो है क्या है यहाँ पे सी है, ठीक है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि जो अक्षर पंक्ति फाइव की बात किया जाए तो पंक्ति फाइव के विकर्ण की यदि बात किया जाए तो ये हो जाएगा। तो
पंक्ति 5 के विकर्ण में नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा अल्फाबेट नहीं आया है, डी जो है आपका नहीं आया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा अक्षर पूरी तालिका में पंक्ति तथा स्तंभ दोनों के आरंभ और अंत दोनों में आया हुआ है। तो आपको देखना है कि कौन सा ऐसा पंक्ति है और कौन सा ऐसा स्तंभ है जिसमें कि आपका जो अक्षर है वो स्टार्टिंग में भी आया हो और एंडिंग में भी आया हो। तो ये वाला देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में ये ई आया हुआ है और एंडिंग में भी ई आया हुआ है। और हम लोग कोई कॉलम देखते हैं जिसमें कि स्टार्टिंग में और एंडिंग दोनों सेम है, तो यहाँ पे देख रहे हैं तो स्टार्टिंग और एंडिंग सेम नहीं है, यहाँ पे भी देख रहे हैं तो स्टार्टिंग एंडिंग सेम नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है ये वाला आपका सेम है, ठीक है। तो यही एक जो है आपको ये मिल रहा है जिसमें क्या है कि इस वाले में ये अक्षर जो दिया गया है स्टार्टिंग में भी है और एंडिंग में भी है, यानी कि आपके पंक्ति की बात किया जाए तो ये वाला भी कंडीशन आपको फुलफिल हो जा रहा है पंक्ति वाला, और स्तंभ वाला भी आपका फुलफिल हो जा रहा है क्योंकि ये स्तंभ में स्टार्टिंग और एंडिंग यहाँ पे आ जा रहा है। तो आपका जो होगा आगे क्या बोला जा रहा है कि दोनों में आया हो आया है और वह अक्षर वर्णमाला क्रम का अंतिम अक्षर है। तो देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कौन सा आया है, ई आया हुआ है और ये जो है वर्णमाला क्रम का क्या है, अंतिम अक्षर भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा वेरिएशन क्या आ सकता है, सपोज कि कोई ऐसा दूसरा रो, ठीक है, जैसे कि यदि हम मान लेते हैं यहाँ पे सेकेंड रो, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। वेरिएशन किस टाइप से आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में वो मैं बता रहा हूँ। सपोज ये आपका जो है पंक्ति 2 है, यहाँ पे भी ए रहता, ठीक है, और आपका जो है ये कोई पंक्ति जैसे यहाँ पे ए हो जाता और यहाँ पे भी ए हो जाता। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो पंक्ति 2 में जो है आपका स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है, और कॉलम में भी देखा जाए तो स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है, यानी कि अक्षर ए है। और एक कंडीशन ये वाला जो आया हुआ है आपका ई और यहाँ पे ई, ये दो ऐसे हैं जो कि कंडीशन को ये इस वाले कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। सपोज ये मैं आपको बता रहा हूँ वेरिएशन कैसे आ सकते हैं। अब ये चीज जो है वहां पे ज्यादा इफेक्ट डालेगा जब पूछा जाए कि वह अक्षर वर्णमाला का अंतिम अक्षर है, यानी कि एक तो ए आ रहा है और एक ई आ रहा है, तो सर किसको लिया जाए पहले। तो देखिए यहाँ पे यदि कह रहा है कि वर्णमाला का अंतिम अक्षर, तो आपका राइट आंसर ई हो जाएगा। यहीं पे कह दे कि वर्णमाला का मतलब स्टार्टिंग अक्षर यानी पहला अक्षर, तो वहां पे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन में किस टाइप के वेरिएशन आ सकते हैं अपने दिमाग में, इसको आप जो है मतलब कि घुमाते रहिएगा कि ऐसा भी हो सकता है और क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि आपका थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज हो जाएगा तो आपका तो आंसर चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए आप पहले से ही माइंड को सेट करके रखिएगा वेरिएशन उसमें डाइल, मतलब कि पहले से ही आप फिक्स कर लीजिएगा कि नहीं ये ऐसा हो सकता है, तो आपका वहां पे बहुत फास्ट जो है क्वेश्चन बनने लगेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो इसको पढ़िए आप। बोला जा रहा है कि पंक्ति 1, ठीक है, पंक्ति 1 के सीधे अंतिम अक्षर ये ई हो गया, के नीचे अंतिम अक्षर यानी कि ई हो गया, पर पहुंचे इन अक्षर के मध्य अक्षर। देखिए अब यहां से आप यहां पे आइएगा तो इन अक्षरों के मध्य अक्षर कौन सा हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा, ठीक है, चार इधर ये आपका मतलब मध्य अक्षर हो जाएगा। के विकर्ण का तीसरा अक्षर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अक्षर के तुरंत बाएं जो अक्षर है, बाएं आपका यहाँ पे कौन सा है, ई है, ठीक है, वह अक्षर पूरी तालिका में अधिक बार आया है, तो आपका उत्तर ए होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो अक्षर इसके जो बाएं में ई आया हुआ है, आपको ये चेक करना है कि पूरी तालिका में ये ज्यादा बार आया है कि नहीं आया है। तो देखिए आप यहाँ पे मिलाना पड़ेगा आपको, और एक जो होगा कि मतलब कौन आ रहा है, या तो पूरा चेक कीजिए या तो फिर आप जो है फटाफट देख लीजिए कि क्या ई जो आया हुआ है एक्चुअली में दिख रहा है क्या कि ज्यादा बार आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ई है 2, यहाँ पे 1 है 3, और यहाँ पे 1 है 4, और आपका जो है 5, 6। तो देखिए ई जो है यहाँ पे, और इसको ले लीजिएगा तो ई जो है 7 हो जाएगा। तो मैं आपको बताया था कि कोई भी होता है यदि आपका जो एलिमेंट होता है यानी कि जो अक्षर होता है यदि वो 7 बार आ गया तो उसको मान के चलिए कि वही मैक्सिमम अक्षर होगा, ठीक है। तो इसका जो आपका होगा कि जो मैक्सिमम काउंट करने की दूसरे की जरूरत नहीं है, ये राइट है कि आपका जो है ये 7 बार आ गया तो और कोई अक्षर 7 बार से ज्यादा नहीं आ सकता है, ठीक है, आप काउंट भी कर लीजिएगा, ये शॉर्टकट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि
अदि ऐसा है यानी कि है, ठीक है, ये ऐसा है कि मतलब ज्यादा बार आया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, आपका उत्तर ए होगा, यानी कि यहाँ पे जो ऐसा कंडीशन फुलफिल हो गया तो आपका उत्तर क्या होगा, ए होगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि पंक्ति थ्री और पंक्ति फाइव, पंक्ति थ्री ये हो गया, पंक्ति फाइव ये हो गया, ठीक है, पंक्ति थ्री और पंक्ति फाइव के मध्य अक्षर के मध्य में जो अक्षर है यानी कि ये वाला हो जाएगा आपका डी, पंक्ति थ्री और पंक्ति फाइव के मध्य अक्षर बी और ई होगा और उसके मध्य अक्षर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। और बोला जा रहा है कि वह अक्षर पूरी तालिका में चार या चार से अधिक बार आया है, तो देखिए ये आपको चेक करना पड़ेगा। फिर कंडीशन यहाँ पे एराइज कर दिया गया है कि जो डी है चार या चार से अधिक बार आया है क्या, तो ये काउंट करना पड़ेगा आपको। देखिए इस वाले में एक है, इस वाले में एक है, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, और भी कहीं है पांच हो गया, यानी कि ये कंडीशन आपका जो है ट्रू हो गया कि चार या चार से अधिक बार जो है डी आया हुआ है, तो वह अक्षर आपका उत्तर होगा जो अक्षर पूरी तालिका में सबसे अधिक बार आया हुआ है। यदि ऐसा है कि डी जो है चार या चार से अधिक बार आया हुआ है तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा कि जो पूरे तालिका में जो है सबसे अधिक बार आया हुआ है। अब देखिए फिर से आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जो है इसके ऊपर जस्ट ये वाला में आप देखे हुए थे कि इस पूरी तालिका में जो है ई जो है सबसे अधिक बार आया हुआ है, इनडायरेक्टली यहाँ पे आप देख चुके थे और यहाँ पे क्या है डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है, तो ये चीज आप जो है तुरंत कर दीजिएगा कि ई हमने पहले ही देख चुका है कि सबसे ज्यादा तालिका में जो आया हुआ है ई 7 बार आ गया और दूसरा कोई नहीं आ सकता है, तो आपका यहाँ पे भी जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा, क्योंकि पूरी तालिका में सबसे अधिक बार ई ही आया है। तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपका जो है ट्रू वाले पे ही काम हो जाए तो फॉल्स वाले पे जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आपसे। तो यहाँ पे बोला गया है कि पंक्ति 5 और स्तंभ 1 से विकर्णवत चलते हुए आप जो है स्तंभ पंक्ति 3 और स्तंभ 3 पर पहुंचे और इसके बाद जो है पुनः विकर्णवत चलते हुए पंक्ति 1 और स्तंभ 1 ठीक है तक पहुंचे और त्रिभुज का निर्माण करते हुए पुनः उसी स्थान पर पहुंचे जहां से जो है आप चले हुए थे, ठीक है, चलना आरंभ किए थे और इस तरह से एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है आपका, ये देख रहे हैं। पूछा जा रहा है कि मध्य अक्षर कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए मध्य अक्षर आप देख रहे हैं इस त्रिभुज में कितने अक्षर आ रहे हैं, 3 इधर आ रहा है और आप देखिए 3, 3, 6 और इस तरह से यदि काउंट किया जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसको ले लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा टोटल अक्षर, आप यहाँ से ये देख रहे हैं, ठीक है, तो आप ये जान रहे हैं कि टोटल इसमें जो है 9 अक्षर आए हुए हैं, तो इसमें जो मिडिल का अक्षर होगा वो कौन सा होगा, तो आप जानते हैं यदि 9 अक्षर है तो जो आपका 5वां अक्षर होता है वो क्या होता है, मिडिल का होता है। स्टार्टिंग आप कहाँ से किए थे, यहाँ से किए थे, तो देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5 यानी 5वां जो अक्षर आपका ये आया हुआ है ये क्या हो जाएगा इसका, मिडिल का अक्षर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो ये ई है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। फिर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि पंक्ति 1 देखिए पंक्ति 1 और स्तंभ 2 को उल्टे क्रम में लिखकर एक दूसरे से बदलें, ठीक है, यानी कि इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है इसको विपरीत करना है या उल्टा करना है या अपोजिट करना है, बात सेम है, ठीक है, इसके बाद बोला जा रहा है कि इसको बदलना भी है, सेकेंड ऑपरेशन आपको क्या करना है, एक्सचेंज का ऑपरेशन करना है, ठीक है, एक दूसरे से बदलने का। फिर जो है आपको पंक्ति 4 और पंक्ति 5 को भी क्या करना है, उलट कर लिखकर इसके बाद फिर क्या करना है, एक दूसरे से बदलना है, यानी कि पंक्ति 4 और पंक्ति 5 को भी जो आप पंक्ति 1 और पंक्ति 2 में किए हुए हैं उसको उल्टा करके और फिर जो क्या किए हैं आपस में बदला गया है इसमें। इसके बाद आपको बताना है कि स्तंभ 2 में सबसे अधिक बार कौन सा अंक आएगा, तो देखिए स्तंभ 2 ये हो गया आपका, तो सबसे पहले आप स्तंभ 2 में देखिए कि ये वाले ऑपरेशन का कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, हाँ पड़ेगा, देखिए जब आप इसको उलटिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको उलटना है, तो उलटिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, ठीक है। फिर आप जब इसको एक्सचेंज कीजिएगा तो ये ए यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला बी जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद जब इसको कीजिएगा तो यहाँ पे जो है आपका बी आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे जो है आपका सी आ जाएगा यहाँ पे, और जब फिर इसको जो है आप एक्सचेंज कीजिएगा तो ये सी यहाँ पे आ जाएगा और ये बी आपका यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाद ये आपका स्तंभ 2 बना,
अब इसमें सबसे अधिक बार जो है कौन आया है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक बार कौन सा आया है, बी है जो कि दो बार आया हुआ है, सबसे अधिक बार वही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 10th नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि पूरी तालिका के मध्य अक्षर के बाएं नीचे विकर्ण का अंतिम अक्षर कौन होगा। तो देखिए पूरी तालिका का यदि मध्य अक्षर की बात करें तो ये हमारा मध्य अक्षर हो जाएगा। इसके बाद बोला जाएगा कि इस मध्य अक्षर के बाएं नीचे विकर्ण का अंतिम अक्षर, तो देखिए बाएं बोला गया है तो बाएं आपका ये होगा, नीचे अंतिम विकर्ण बोला जा रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपका ये जो सेट था, जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, जो मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।